Good morning everyone, let us continue from where we ended last class. Basically I was teaching you treatment of advance money forfeited. If the advance money is forfeited by the SSE before 1/4/2014, then it will be reduced from the cost of acquisition and then indexation shall be done. And it is, if it is from 1/1/2014, if any advance money is forfeited, then it will be taxable under the head income from other sources in the hands of the SSE. Right, so let us do question number 4. X bought a building for rupees 10 lakh in 0405. In 0809 he enters into contract with Mr. Y for its sale and 1 lakh is forfeited on cancellation of contract. So now this is received before 1/1/2014, so this will be reduced from the cost of acquisition. Again he enters into contract in 1/1/2023 for 2 lakh and amount is forfeited. 2 lakh forfeit kar liya. Finally, it is sold to Mr. A for 85 lakh on 1/5/2024. So now the position is like this. This is question 4 we are doing. There's a problem in the system. So period of holding is from 2004-05 se lekar 1/5/2024. So this is long term capital asset. In case of land and building, 24 months is seen. So this is building. So it is more than more than 24 months, a long-term capital asset. Now we have to deal with the treatment of advance money forfeited. Now on 2008-09. Advance money forfeited should be reduced from the cost of acquisition and on 1/1/2023, right? Yeah, advance money forfeited should be taxable in the hands of SSE under the head income from other sources. So can you tell me what is the cost of acquisition to SSE? The actual cost is 10 lakh minus this 1 lakh will be reduced. And जो 2 लाख forfeit हुआ वो reduce नहीं होगा क्योंकि वो other sources में taxable हो जाएगा, right? So other sources में ये आपका समझ लो previous year 22-23 में taxable हो गया,
प्रीवियस ईयर 23-24 में ये आपका टैक्सेबल हो गया, क्योंकि जिस साल मिलेगा उसी साल टैक्सेबल हो गया. एडवांस मनी द मोमेंट यू रिसीव देन एंड देयर इट विल बी टैक्सेबल इफ इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स. इफ इट इज बिफोर दैट जस्ट कीप इट लाइक दैट, यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इज इट ओके? सो 1 लाख यू फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014, सो दैट यू आर गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एंड द वन विच यू डिड पोस्ट 1 अप्रैल 2014 वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. सो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लाइक इट इज कमिंग टू 9 लैक्स. ठीक है, नाउ कंप्यूटेशन ऑफ LTCG पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज FVC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 85 लाख. लेस एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर 0. सो दिस इज नेट सेल कंसिडरेशन. लेस ICOA इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बेसिकली दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 348 इज द CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा. 0102 का 100 है और 2324 का 348 है. CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 348. 0405 का इंडेक्सेशन क्या है? जीरो फोर जीरो फाइव का इंडेक्सेशन है 113, 113. ओके, डिवाइड बाय 113. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 9 लाख इंटू 348 बाई 113. दिस इज टैक्सेबल LTCG. कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ही नहीं. चलिए नेक्स्ट नंबर 5. अगस्त 1999 को मैंने 7 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा है ना. अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अप्रैल 2001 के पहले इग्नोर करेंगे. ठीक है, उसके पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेना है हम लोग को. और प्रॉपर्टी फाइनली बिका है हम लोगों का अगस्त 23 में. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. चैप्टर 10 नेक्स्ट क्लास, वही पार्ट 2 देख लेना शायद.
सबसे पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा 1899 से लेकर, पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले से कैलकुलेट होगा, इंडेक्सेशन अपन 0102 से शुरू कर रहे हैं, 10th August 2023, तो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मोर देन 24 मंथ्स प्रॉपर्टी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली एक्चुअल कॉस्ट होता है, इफ प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन एसएससी हैज ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो इन दिस केस इट इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो एक्चुअल कॉस्ट 7 लाख है बट फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख, तो बट ऑब्वियस है आई विल गो फॉर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है ना, जितना ज्यादा कॉस्ट लेंगे मेरा गेन उतना कम आएगा. इंडेक्सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 2001-02 बिकॉज 99-2000 में खरीदा, बट इंडेक्सेशन विच एवर इज लेटर ईयर ऑफ परचेज और 0102 CII फॉर 2001-02 इक्वल्स टू 100. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट 10 लाख है इंटू 348/100. 0102 का इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है 100 से, सो दिस इज -34,80,000 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ICOI एम भी लिखता है भोजन. One 5/2000. So this will be ignored. Cost of improvement before 1st April 01 will be ignored. Any improvement before 1/4 should be ignored. एक और इंप्रूवमेंट हुआ 10 अगस्त 2000
4, तो इसको लेना है, 2 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ है, इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई 2004-5, सो 2004-5 का इंडेक्सेशन अभी किया हमने, सेम ही होगा 113। टैक्सेबिलिटी से जी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नाउ इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि अगर आप इफ द प्रॉपर्टीज बिफोर 1/4/2001, देन एक्चुअल कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ एक्शन विल बी हायर ऑफ नंबर ए एक्चुअल कॉस्ट, नंबर बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। बट देर इज वन पॉइंट, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, राइट, वेन एवर यू बाय एनी प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको एक टैक्स देना पड़ता है, तो उसको स्टैम्प, उस वो जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब इट्स अ गवर्नमेंटल वैल्यू, कि गवर्नमेंट बोल रही है इस प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के हिसाब से इतना वैल्यू होना चाहिए। आज अपन हाउस प्रॉपर्टी की है, सो वहां पे क्या है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। एक्सपेक्टेड में गवर्नमेंटल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी है, क्योंकि उसमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूज एज पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फेयर रेंट इज एज पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, स्टैंडर्ड रेंट इज एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो कहने का मतलब है लोग क्या करते हैं, कच्चा में काम करता है, कि कुछ पोर्शन कैश में ले लिया, कुछ पोर्शन अनडिस्क्लोज छोड़ दिया, कुछ पोर्शन डिस्क्लोज कर दिया। सो दैट इज व्हाई ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, ये तो मैं अभी बेचने पे आ ही नहीं रहा हूं, खाली कॉस्ट में बोल रहा हूं, कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी का डीलिंग करेंगे वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा में आप डीलिंग करें अच्छी बात है। तो अभी तो जैसे ये मैं कॉस्ट पे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं सेल प्राइस में भी इस चीज को लेके आऊंगा, कि मान लो 10 लाख का प्रॉपर्टी आपने उसको 5 लाख में बेचा, ऐसा हो नहीं सकता, आपने 5 लाख में बेचा है तो आपको लेकिन टैक्स
10 लाख पे देना पड़ेगा, 10 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना जाएगा। यहां पे मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख ही है तो उतना ही कॉस्ट पकड़ो, ज्यादा कॉस्ट नहीं पकड़ सकते आप। फेयर मार्केट वैल्यू तो मेरा हाथ का चीज है ना, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर को थोड़ा सा पैसा खिलाया, उसको बोल दिया कि भैया इसका वैल्यू तुम ज्यादा करके दिखा दो। तो कॉस्ट में जब अपन फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो अपने गवर्नमेंटल वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकते, और बेचते वक्त जब अपने सस्ता में बेच रहे हैं तो सस्ता मतलब समझ रहे, दोनों में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता इन केस ऑफ कॉस्ट, और इन केस ऑफ सेल सेलिंग प्राइस स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता सॉरी। यहां पे कॉस्ट स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता और बेचते वक्त मिनिमम सेल प्राइस हैज टू बी स्टैम्प वैल्यू, नहीं तो लोग टैक्स इवेट करेंगे। तो सरकार इस चीज का पूरा अच्छे से ध्यान रखी है। ये तो मैं कॉस्ट पार्ट की बात करूं, थोड़े देर बाद मैं सेल पार्ट की भी बात करूंगा। तो हमेशा याद रखना सेल्फ नोट। इन केस ऑफ कॉस्ट cost of acquisition cannot be more than stamp duty value in case of FVC sale proceeds cannot be less than स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हाउएवर मार्जिनल डिफरेंस चलेगा, इन दिस केस मार्जिनल डिफरेंस इज अलाउड। ठीक है, आइए नंबर 6। मैंने खरीदा 97 में और बेचा है 2024 में,
ओके, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. सो 97 में मैंने खरीदा है और बेचा है फरवरी 2024 में. ओके, सो क्वेश्चन 6. सबसे पहले हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा 21/3/1997 से लेके 1 फरवरी 2024. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है. दोनों में हायर लेंगे क्योंकि बिफोर बिफोर है ना, बिफोर 1 अप्रैल 2001. 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर होगा खरीदा हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन मिलेगा. दोनों में हायर बट स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता. सो इट इज लाइक हायर ऑफ ₹8 लाख और ₹10 लाख रेस्ट्रिक्टेड टू ₹9 लाख. ये वाला इंप्रूवमेंट तो इग्नोर कर देना हम लोगों को. अप्रैल 2001 के पहले है, खाली ये दो इंप्रूवमेंट लेना है. और 1 करोड़ 80 लाख में हमने बेचा है, ब्रोकरेज 1 लाख. कंप्यूटेशन ऑफ LTCG. FVC 1 करोड़ 80 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख कॉस्ट इंटू 348/0102 से स्टार्ट होगा. अगर प्रॉपर्टी पहले खरीदा गया तो डिनोमिनेटर इंडेक्सेशन तो 100 ही होगा. इग्नोर्ड 10/11 का है, 2 लाख इंटू 348/2010/11. टेन इलेवन का 167 और 12/13 का 200. 167
डन। चलिए नेक्स्ट। एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदा था, इसने गिफ्ट कर दिया वाई को, तो गिफ्ट में टैक्स नहीं लगता कैपिटल गेन का। दोनों ने खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया और वाई ने फिर प्रॉपर्टी आगे बेचा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सेवन। सबसे पहले फॉर एक्स अगर हम लोग करें तो एक्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? एक चार 1998 से लेके 15 मई 2007। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्स विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन सिंस गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तो एक्स का बेसिकली प्रीवियस ईयर 7-8 के बारे में बात हो रहा है। तो एक्स को कोई टैक्स नहीं देना। वाई का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त एक्स का भी मानेंगे, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ओनर, सो इट इज लाइक अप्रैल 1998 से लेके मैंने कब बेचा है? दिसंबर 2023। तो जाहिर सी बात है ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और मेरा क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर होगा बेचने का 23-24। मेरा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 23-24 में।
ठीक है, क्योंकि मेरे को तो गिफ्ट मिला है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू वाई विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, दैट इज एक्स. नाउ एक्स हैज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, सो इट इज लाइक एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दोनों में जो हायर है राइट. सो नाउ एक्चुअल कॉस्ट इज 95,000 फॉर एक्स एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज 1,15,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2001, सो इट विल बी रुपीज 1,15,000. नाउ विथ रेस्पेक्ट टू इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कैन बी डन इधर विथ रेस्पेक्ट टू एसएससी और प्रीवियस ओनर. देर वॉज अ केस इन द कोर्ट देर वॉज अ केस इन द कोर्ट कैमरा इज नॉट वर्किंग. हेलो, होल्ड ऑन. ओके, ठीक है, कैमरा नहीं चल रहा है, विल सी व्हाट कैन बी डन. सो इट इज लाइक इंडेक्सेशन कैन बी डन विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर और एसएससी. इफ आई डू इंडेक्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू एसएससी, देन इट हैज टू बी 7/8 बिकॉज आई हैव रिसीव्ड इट ऑन 7/8, मेरे को 7/8 में मिला है प्रॉपर्टी 2007/8. बट इफ आई डू इट विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर देन इट इज 98-99, बट स्टार्टिंग इज 0102. सो देर वॉज अ केस इन द कोर्ट एंड इट वॉज डिसाइडेड कि सिंस वी आर टेकिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर, सो इंडेक्सेशन ऑल्सो वी कैन डू विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर. तो इन दिस सम वी विल डू इंडेक्सेशन ऑल्सो with respect to x. Okay, cost of improvement for both SSE and previous owner will be taken. But should be
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। पांच मिनट दर्जन। FVC 28 लाख। एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर नथिंग इज देयर। ICOA कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे और प्रीवियस ओनर 1/4 2001 के पहले खरीदा तो फेयर मार्केट वैल्यू इंटू 348 बाय इंडेक्सेशन भी हम लोग प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं तो प्रीवियस ओनर का 98 99 मतलब 0102 लेटर। और अगर करंट एसएससी का लेते तो 2007-8 का लेना पड़ता। ठीक है, एक सम हम लोग ऐसा भी किया है लास्ट क्लास में, आई हैव शोन यू 2348 100। ICOM 1999 2000 इग्नोर्ड। 2005-6 2005-6 इट इज 40,000 इंटू 348 बाई 56 का इंडेक्सेशन 117। ट्वेल्व थर्टीन 1,15,000 इंटू 348। हमेशा न्यूमरेटर में ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा, डिनोमिनेटर 12-13 इज 200। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में ऐसे कुछ है नहीं, सिमिलर प्रॉब्लम है। एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर भी है फिर उसके बाद एडवांस मनी फॉरफिटेड
बाई करेंट एसएससी भी है, तो प्रीवियस ओनर का तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, इग्नोर। करंट एसएससी का लेना है वो भी चेक कर लेंगे, 1 अप्रैल 2014 के पहले है कि बाद है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है। तो इसको होमवर्क में करिएगा, देन वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।